हेलो इस वीडियो में हम एम एस पावर पॉइंट एम के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है पावर पॉइंट प्रजेंटेशन इज़ आर वाइडली यूज एज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए प्रोजेक्ट प्रजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स ऑप्शन बी कम्युनिकेशन और प्लानिंग ऑप्शन सी नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स ऑप्शन डी आल ऑफ़ दी अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आल ऑफ दी दवा इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच फाइल आर कंटेंट्स रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर प्रजेंटेशन डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए प्रजेंटेशन ऑप्शन बी टेम्पलेट्स ऑप्शन सी लेटर्स ऑप्शन डी मैजिक टूल्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेम्पलेट्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच फीचर्स इज टू एड ए शेडो बिहाइंड दिलेक्टेड टेक्स्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फोन शेडो ऑप्शन बी टेक्स्ट शेडो ऑप्शन सी टेक्स्ट बिहाइंड कलर ऑप्शन डी आईलाइट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेक्स्ट शेडो इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन्ड इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल्स तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एनिमेशंस ऑप्शन बी ट्रैक्शंस ऑप्शन सी सेमुलेशंस ऑप्शन डी ग्राफिक्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एनिमेशंस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच ऑप्शंस अलाउ यू टू सेलेक्ट लाइन कर्व फ्री फॉर्म्स और स्क्राइबल टूल्स तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ड्रा कस्टम पाथ ऑप्शन बी क्रिएट इफेक्ट्स ऑप्शन सी इंसल्ट मोशन पाथ ऑप्शन डी आल ऑफ दी अबब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ड्रा कस्टम पाथ इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू अलाइन लेफ्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एल ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जे तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी डिफाल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर नोट स्पेस आउटलाइंस एंड हैंड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए वर्टिकल ऑप्शन बी पोर्ट्रेट ऑप्शन सी लैंडस्केप ऑप्शन डी आल ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लैंडस्केप इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू क्रिएट ए यूनिफॉर्म अपियरेंस वाई एडिंग ए बैकग्राउंड आई मीन टू आल स्लाइड्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए यूज दी द्रेक्ट विजार ऑप्शन बी क्रिएट ए टेम्पलेट ऑप्शन सी एडिट द स्लाइड मास्टर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एडिट द स्लाइड मास्टर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाट इज द टर्म यूज वेन ए क्लिप आर्ट अमीज क्लिप आर्ट अमीज चेंजिस द डायरेक्शन ऑफ फेसिस तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ग्रोप ऑप्शन बी रोटेट ऑप्शन सी फ्लिप ऑप्शन डी आल ऑफ द तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रोटेट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू फॉरवर्ड दी ऑब्जेक्ट वन लेवल और टू दी फ्रंट ऑफ आल ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए अलाइन ऑप्शन बी रोटेट ऑप्शन सी सेंट टू बैक ऑप्शन डी ब्रिंग टू फ्रंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्रिंग टू फ्रंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज़ द बेस्ट व्यू टू यूज वैंड सेटिंग ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स फॉर आल स्लाइड्स इन प्रजेंटेशन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्लाइड सॉल्टर व्यू ऑप्शन बी नॉर्थ स्पेस व्यू ऑप्शन सी स्लाइड व्यू ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्लाइड सोल्टर व्यू इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू अलाइन राइट दी सिलेक्टेड टेक्स्ट शॉर्टकट की इज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जे ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन बी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ऑप्शन सी डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन डी आल ऑफ दी दब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आल ऑफ दी दब इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एनिमेशन ऑफ स्लाइड इज पॉसिबल विद यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एमएस पावर पॉइंट ऑप्शन बी एम एस पिक्चर मैनेजर ऑप्शन सी टैली ऑप्शन डी फायरफॉक्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एमएस पावर पॉइंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल दैट कैन बी एडेड टू दी प्रजेंटेशन आर यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डॉट जे पी जी फाइल्स एंड डॉट जी आई एफ फाइल्स ऑप्शन बी बेब एंड डॉट जे पी जी फाइल्स ऑप्शन सी बेब फाइल्स एंड डॉट जी आई एफ फाइल्स ऑप्शन डी डॉट डब्ल्यू ए बी एंड डॉट एम आई डी फाइल्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डॉट डब्ल्यू ए वी एंड डॉट एम आई डी फाइल्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोर्ड द शॉर्टकट की इज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्पेस प्लस एच ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस बी ऑप्शन सी एड प्लस बी ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस बी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस बी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू ऐड और चेंज द शेडो पॉइंट टू डैश बटन एंड देन क्लिक द शेडो दैट यू वांट यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए रोटेट ऑप्शन बी फ्लिप ऑप्शन सी शेडो ऑप्शन डी हाईलाइट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शेडो इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच की हेल्प टू मूव टू द एंड ऑफ ए लाइन तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए होम ऑप्शन बी पेज अप ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी पेज डाउन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एंड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू जस्टिफाई दिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जे ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जे इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल अनेबल यू टू एड टेक्स्ट टू ए स्लाइड विदाउट यूजिंग दिस स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टेक्स्ट टूल बॉक्स ऑप्शन बी लाइन टूल ऑप्शन सी ड्राइंग टूल ऑप्शन डी ऑटो शेप टूल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टेक्स्ट टूल बॉक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेट ऑफ यूनिफाइड डिजाइन एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड्स ए लुक फॉर योर डॉक्यूमेंट्स बाई यूजिंग कलर फोन्ट्स एंड ग्राफिक्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फ़ॉन्ट फेस ऑप्शन बी थीम ऑप्शन सी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन डी हाइपलिंग तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी थीम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए डैश इज प्रजेंटेशन दैट यू कैन क्रिएट टू डिस्प्ले योर पर्सनल और बिजनेस फोटोग्राफ्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पावर पॉइंट क्लिप आर्ट ऑप्शन बी पावर पॉइंट वर्ड आर्ट ऑप्शन सी पावर पॉइंट फोटो एल्बम ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पावर पॉइंट फोटो एल्बम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच बॉक्स इज फॉर सेटिंग द पेज साइज तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी पेज सेटिंग डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी सेटिंग पेज डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन डी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एनिमेशन लाइक इफेक्ट्स दैट ऑकर इन स्लाइड शो न यू मूव फ्रॉम वन साइड टू दी नेक्स्ट तो इसके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन ए हाईलाइट ऑप्शन बी फूटर ऑप्शन सी हैडर ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजेक्शन्स तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजेक्शन्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच कमांड ब्रिंग यू टू दी फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए नेक्स्ट स्लाइड बटन ऑप्शन बी पेज अप ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस होम ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एंड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस होम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड गो टू डैश टैप इन स्लाइड ग्रुप क्लिक न्यू स्लाइड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एनिमेशंस ऑप्शन बी व्यू ऑप्शन सी होम ऑप्शन डी स्लाइड शो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी होम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश आर लाइंस दैट हैव कनेक्शंस पॉइंट एट द शेप्स दैट यू अटैच देम टू यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कनेक्टर्स, ऑप्शन बी हेडर, ऑप्शन सी फोटर्स ऑप्शन डी सेपरेटर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन ए कनेक्टर्स इसका सही आंसर है तो इस वीडियो में हमने एम एस पावर पॉइंट एम की सेकेंड पार्ट के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल धन्यवाद